बड़ी खबर, जोधपुर विकास प्राधिकरण संघ द्वारा राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के चल रहे महापड़ाव का समर्थन करते हुए लगातार 32वें दिन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि यह सब कर्मचारी जयपुर भी जाकर आए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान भी किया। इनका कहना है कि गांधीवादी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। लिपिक वर्ग ने आज तक जो भी संघर्ष किया, लिपिक वर्ग की छोटी सी मांग ग्रेड पे की है, जो कि ग्रेड पे पर वर्तमान में 2400 रुपए हैं और जो सबसे कम है उसे बढ़ाने के लिए भी संघर्ष किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण स्थित बालाजी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक दिन का सभी कर्मचारियों ने उपवास रखा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर उप शाखा द्वारा आज लगातार 32वें दिन महापड़ाव में हम शामिल रहे हैं। हम सब जयपुर भी 15-20 दिन रह के आए हैं। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने विनम्र निवेदन किया है। हमारा आंदोलन अहिंसात्मक चल रहा है और महापड़ाव में हमारे 30,000 से 50,000 कर्मचारी वहाँ धूप छांव बारिश प्रतिदिन लगातार गांधीवादी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस पर 1074 यूनिट रक्त देकर भी हमने संदेश दिया है कि आप हमारी मांगों पर सुनवाई करें। हमारी छोटी सी मांगें हैं, लिपिक वर्ग की मांग हमेशा से दबी हुई रही है, क्योंकि लिपिक वर्ग ने आज तक जो भी संघर्ष किया वो समस्त राज्य कर्मचारियों के साथ मिलकर किया, लेकिन उसमें हमारी मांग हमेशा 9-10 नंबर पर रही जो कभी पूरी नहीं हुई। छोटी सी मांग है ग्रेड पे की, ग्रेड पे हमारी वर्तमान में 2400 है जो सबसे कम है। लिपिक वर्ग प्रशासन की धुरी होता है और प्रशासन में जब भी कोई आवेदन करता है सर्वप्रथम लिपिक वर्ग द्वारा ही वो पत्रावली चलाई जाती है। उसके बाद में सरकार की समस्त योजनाएं, सरकार के समस्त राहत उस पर आवेदनकर्ता पर लागू होते हैं, लेकिन इस पूरे प्रशासन की धुरी लिपिक वर्ग है और लिपिक वर्ग आज तक वंचित और शोषित रहा है ग्रेड पे के मामले में। तो मुख्यमंत्री जी से हमें आपके इस चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी छोटी सी मांग है और बहुत छोटा सा वर्ग है, 80-90 हज़ार कर्मचारी हैं, लेकिन हमने आपके जन्मदिवस पर भी आपको रक्त से सींचा है। आने वाले समय में हम भी खून पसीना एक कर देंगे, आप हमारी ये छोटी सी मांग पूरी कर। आज उसके विरोध में महापड़ाव पर हनुमान चालीसा का पाठ है और उपवास है। उसी क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर शाखा द्वारा हमारे हनुमान मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे स्वयं बैठकर और उपवास रख। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर प्रांत की ओर से पेपर लीक मामले में दोषी महाविद्यालय एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर आज प्रदर्शन किया। साथ ही जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि पेपर लीक बार बार एक ही सत्र से हो रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन महाविद्यालय पर कार्रवाई करे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सदन में रख रहे थे। पेपर लीक मामले में छात्र नेता राजवीर सिंह का निलंबन एवं निर्दोष पूर्ण छात्रों पर लगाए गए राजकार्य बाधा का मुकदमा वापस लिया जाए, इन सभी मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में रातानाड़ा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में आयोजित 10 दिवसीय सत्संग कथा में कथावाचक माधवदास महाराज के सानिध्य में मातृ दिवस मनाया गया। इस दौरान सत्संग में आई सभी वयोवृद्ध महिलाओं का माला पहनाकर केक काटकर व सभी का मुंह मीठा कर एक दूसरे को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। महिला मंडल की लीला चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट श्री इंद्र सिंह सांखला, महिला मंडली अध्यक्षा शारदा चौधरी, प्रीतम चौधरी, विक्रम गुज्जर एवं मातृशक्ति मौजूद रहीं। मारवाड़ राजपूत सभा के सोमवार को चुनाव शुरू हुए, मतदान सुबह प्रारंभ हुई जिसमें शाम 5 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष व अन्य पदों के उम्मीदवारों ने रविवार को अंतिम दिन जोधपुर सहित अन्य जिले में धुआंधार प्रचार कर लोगों से समर्थन मांगा। मारवाड़ राजपूत सभा के चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार निवर्तमान अध्यक्ष हनुमान सिंह खाटांगा खांगटा का मुकाबला अजीत सिंह राठौर से हो रहा है। प्रतिष्ठा से जुड़े इन चुनाव में उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार भी अपनी जीत पक्की करने को लेकर
अंतिम दिन जोधपुर के साथ अन्य जिलों में पहुंच लोगों से संपर्क कर वोट देने की अपील की। मतदान संपन्न होने के बाद दूसरे दिन 16 मई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। मारवाड़ राजपूत सभा का जो ज्यूरिस्डिक्शन, ये संपूर्ण मारवाड़ है जिसमें जोधपुर डिवीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट और एक अजमेर डिवीजन का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उसके कुल 6,700 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये कुल 6,700 मतदाता एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक महासचिव का इलेक्शन करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय कार्यकारिणी के 10 नॉमिनेशन का इलेक्शन करेंगे और इसके अलावा जितने भी जिले के प्रतिनिधि है उनका इलेक्शन करेंगे। अभी सुबह 10 बजे तक 18% पोलिंग हो गई है और आशा करते हैं इसी तरह से अगर निर्बाध ढंग से वोटिंग चली तो ये शाम 5 बजे जो मतदान समाप्ति का समय है उस समय तक 50% और 70% के बीच में पोलिंग हो जाएगी। सारी व्यवस्थाएं माकूल है और ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन वेल। अपना परिचय। मैं सैदान सिंह राजपुरोहित, रिटायर्ड RS ऑफिसर हूं और इस मतदान प्रक्रिया में एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर हूं। शिवम नाटल्य का 39वां अरंगेत्रम 20 मई 2023 को लकी इंटरनेशनल स्कूल में होने जा रहा है। वर्मा परिवार के मेहू ने 6 वर्ष की उम्र में ही अपने गुरु डॉक्टर मंजूसा सक्सेना के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। अब 9 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जोधपुर वासियों के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। जिस उम्र में बच्चे टीवी के सामने समय बिताकर खुश होते हैं, उस वक्त नन्ही मेहू को नृत्य की साधना खुशियां देता रहा। मेहू नृत्य के साथ साथ ड्राइंग, पेंटिंग और खेलकूद में भी रुचि रखती है। उसे स्विमिंग और स्क्वाश खेलना बहुत पसंद है। वो स्विमिंग पूल में योगा करने का हुनर भी रखती है। इसके अतिरिक्त मेहू सभी आकार के क्यूब को कुछ सेकंड में सॉल्व करने की विशेष प्रतिभा भी रखती है। राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा मेहू कैप्टन सुनील वर्मा एवं जोधपुर की सुप्रसिद्ध कवित्री रेणु वर्मा की सुपुत्री है। 38वां शिवम नाट्य का अरंगेत्रम होने जा रहा है। माही लोहिया द्वारा, माही छोटी सी बच्ची थी 4 साल की और मेहनत किया, डांट खाया, ना जाने किसकी दौर से गुजरी। तब हमने नहीं सोचा था कि माही इस यहाँ तक पहुँचेगी, इस स्टेज तक पहुँचेगी, इस मंच तक पहुँचेगी और आप सबके समक्ष अरंगेत्रम करेगी। ये एक बच्ची की अपने गुरु के प्रति विश्वास, आस्था, यही एक और उनके साथ साथ उनके अभिभावक का जो एक गुरु के प्रति विश्वास करते हैं और वो अपनी बेटी को समर्पित कर देते हैं, जो पहले के समय में होता था वो आज भी साकार होता नजर आता है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं कि एक छोटी सी बच्ची को आप किसी गुरु के पास छोड़ते हैं और 9 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक आप उस बच्ची को उसकी कठोर परिश्रम करवाते हैं। शिवम नाट्यालय का 38वां अरंगेत्रम आज मेडिकल ऑडिटोरियम में माही लोहिया द्वारा किया जा रहा है। लगातार शिवम नाट्यालय जोधपुर में कार्य कर रहा है और बच्चियां बड़ी तन्मयता के साथ इसे सीख रही हैं और आगे भी 15 बच्चियां हैं जो अरंगेत्रम के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। ये पूरे जोधपुर के लिए गौरव की बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है और हमारे जोधपुर में जो परिवार, जो 38 परिवार जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने बच्चियों को इस लायक बनाया और आगे भी वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय बात है और हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आने वाले समय में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में भरतनाट्यम की खोज जारी हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है और कथक जयपुर का, कथक घराने का जयपुर है, जयपुर का है कथक, और उसके बावजूद भरतनाट्यम यहाँ पे राजस्थान में कोई पहचान नहीं थी और शिवम नाट्यालय के 25 साल से लगातार मेहनत करने से आज ये स्थिति बन गई है कि लोग आगे से आगे बढ़कर इस कला को सीखना चाहते हैं और अरंगेत्रम तक पहुँचना चाहते हैं। अरंगेत्रम प्रथा एक ऐसी है जो 2000 ईसा पूर्व, जब से भरतनाट्यम माना जाता है तब से ही अरंगेत्रम की प्रथा भी चल रही है। गुरु के समक्ष
प्रतिष्ठित लोगों के समक्ष, राजा महाराजाओं के समक्ष ये नृत्य प्रस्तुति एक शिष्या देती थी। तब उसे गुरु दक्षिणा देकर ये घुंघरू ग्रहण करना पड़ता था, जिसे अरंगेत्रम कहते हैं। वो आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। ये बहुत हमारे लिए भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर का ये बहुत एक अनूठा उदाहरण है, जो आज भी उतने ही जोश के साथ चला आ रहा है। और मैं आप सब जोधपुर वासियों को धन्यवाद देती हूँ, राजस्थान को धन्यवाद देती हूँ कि जिसने मुझे मंजूषा सक्सेना, जो एक अपना टारगेट लेके यहाँ पे मैंने कार्य किया था कि जोधपुर में एक पहचान दूँ भरतनाट्यम को, और वो आज सफल हो गई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम माही है, मेरा अरंगेत्रम आज होने वाला है। शिवम नाटक का 30वां अरंगेत्रम आज होने वाला है मेरे द्वारा। मैं आज थोड़ी सी घबराई हूँ, पर थोड़ा विश्वास भी है मेरे खुद पे, मेरी जो तपस्या है, मेरी जो डेडिकेशन है डांस के ऊपर, उस पर मैम पे तो हमेशा ही रहेगा, ऐसा कभी छूटेगा ही। और सब पे जहाँ जा रहे हैं अपना टाइम निकाल के मेरे लिए आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इधर से मेरी जो भरतनाट्यम की डिग्री है वो मैं लेकर ही जाऊँ।